राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत तय होने के बाद भी भाजपा विधायकों को लेकर कोई लापरवाही नहीं रखना चाहती, इसीलिए भाजपा ने अपने सभी विधायकों को 17 जून की शाम तक भोपाल पहुंचने का आदेश दिया है। रात को भोजन पार्टी कार्यालय में ही होगा, जहां विधायकों की गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के उपाध्यक्ष विजय पांडा दिल्ली से सीधे भोपाल पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 18 जून की शाम को 6 बजे विधायक दल की बैठक अपने पार्टी कार्यालय में रखी है। इसमें राज्यसभा चुनाव का मॉक पोल होगा। पार्टी ने अपने तमाम सीनियर नेताओं को यह जिम्मेदारी दे दी है कि वे अपने अपने जिले के विधायकों से निरंतर संपर्क में रहें। राज्यसभा की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता भी बैठक में पहुंच सकते हैं। वहीं राज्यसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर होने वाली इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक उपस्थित रहेंगे। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने से वे इस बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। कांग्रेस को विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 1 सीट मिलना तय है, लेकिन उसकी निगाहें दूसरी सीट पर है। इस बैठक में मॉक पोल के जरिए विधायकों को वोट करने की जानकारी दी जाएगी। इसमें खासतौर पर प्रथम वरीयता प्राप्त राज्यसभा के उम्मीदवार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम रखा गया है। उन्हें कांग्रेस के कौन से 52 विधायक वोट करेंगे यह तय किया जाएगा। वहीं दूसरे उम्मीदवार फुल सीएम बरेया को पहली वरीयता में डाले जाने वाले 52 विधायकों के बाद आगे के 40 विधायक वोट करेंगे। हालांकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को मौजूदा विधायकों के अलावा 12 और विधायकों की जरूरत होगी, जो फिलहाल उसके पास नहीं है। कांग्रेस की निगाहें अभी 4 निर्दलीय और 2 बसपा और 1 सपा के विधायक पर है।